बच्चा आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश सिंधी। मोहम्मद दानिश जी, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 20 साल का अब होगा सर, मुझे सितंबर में। सितंबर में 20 साल के हो जाओगे आप। जी सर। ठीक बात है। अभी करते क्या हो आप? सर कुछ नहीं कर, स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट हो। जी सर। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी है आपने? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए कि अभी करोगे? अब करूँगा सर, अभी एक सब्जेक्ट में मैं ब्रेक लग गया सर, रुक गया थोड़ा। अच्छा, तो अभी आप ग्रेजुएट नहीं हो अभी। हाँ ठीक है, फाइनल का कब आपका है ग्रेजुएशन का? अभी एग्जाम आपने कब दिया था? आपने अभी दिया, इस साल ही दिया था सर। इस साल दिया है। ठीक है, हाँ और इस साल बैक है आपकी। जी कौन सर। से सब्जेक्ट में बैक है? सर इनडायरेक्ट टैक्स में। बैक लगी है, जी सर। तो अभी आप ग्रेजुएट नहीं हो। नहीं सर। ठीक है, करते क्या हो आप? सर कुछ नहीं करता पहले सर, दुकान दुकान में माइंस में इनमें कहाँ जाता था, हाँ, कितना कमाते थे वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये सर महीने का? महीने का। ठीक है, और आपके फादर हैं? नहीं है सर, 8 साल हो गए उनको गए, फादर डेथ नहीं हो है आपके। गई। तो आपके घर में अभी कौन आपका अर्निंग मेंबर कौन है? खर्चा कौन कैसे चलता है? सर मम्मी है, प्राइवेट टीचर है। कौन से स्कूल में है वो? हाँ कौन सर से स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में है। प्राइवेट स्कूल में। कितना उनका उनका सैलरी कितना है महीने का? 5 हज़ार रुपये 5,000 रुपीज़। ठीक बात है। अभी क्या शिकायत करना चाहते हो आप दानिश जी? सर। शिकायत मैं यूँ करना चाहता हूँ सर, मेरे पिताजी के खाते में सर बहुत टाइम से, जब से मेरे पिताजी की डेथ हुई, जब से हमने मार्च, अभी इस साल मार्च तक हमने कोई लेन देन नहीं किया था मेरे पिताजी का, नहीं हमने आपकी डेथ सर। कब उसके अपने सॉरी आपके पापा आपके पिताजी की डेथ कब हुई थी? 4 जनवरी 2008 को हुई थी। 4 जनवरी 2008 को हुई थी। 2008 से लेके आपने अभी मार्च 2016 तक कोई लेन देन हाँ नहीं किया कुछ उस नहीं खाते करा में। मेरे पिताजी ठीक के, है, फिर नहीं क्या बंद हुआ? करा। फिर क्या हुआ? उसमें मेरे पिताजी के 2,31,000 रुपये पड़े थे उस अकाउंट में, अच्छा ठीक है, तभी से लेके उनकी तभी डेथ। से लेकर ठीक है, हमने न तो उनको निकलवाया और न ही खाते को बंद करवाया हमने। ठीक बात है। क्योंकि हमने इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि मेरी पढ़ाई के बीच में अगर मेरे को कुछ करना होता, डिप्लोमा वगैरह, तो मेरे काम काम के लिए मैंने कम लेन देन में कुछ नहीं करना, मैं निकालना ही नहीं। ठीक बात है। तो अभी क्या हुआ फिर 2016 में? अब क्या हुआ? अभी सर मेरे को माइनिंग में डिप्लोमा करना है। नहीं, अभी 2016 में आपके खाते में क्या हुआ? खाते में ये हुआ सर कि है नहीं, वो बैंक वाले, ऐसे बैंक वाले मेरे घर पे आए एक दिन शाम के टाइम। एक तो मैडम थी शिखा मैडम और हाँ एक बापना जी सर थे जो केलवा ब्रांच के मैनेजर थे, ठीक है, ठीक है। वो आए। उन्होंने कहा आपके पिताजी, आपके हसन जी कौन है? मैं कहा मेरे पिताजी। के कहाँ है? मैं कहा वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, क्योंकि 8 साल से इस खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो आप इसको बंद कराइए और आपके इसमें नॉमिनेट मोहम्मद दानिश है। कौन है? मैं कहा मैं हूँ मोहम्मद दानिश। यूँ कहा चलो ठीक है, आप है मोहम्मद दानिश? मैं कहा जी सर। क्योंकि आप इसके खाते, आपके पिताजी के खाते का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर करते थे। मैं जी सर कर दीजिए। क्या करना है आपके? मैं कहा एफडी कर दीजिए सर। क्योंकि एफडी मत करा, आप ये करा दो, पॉलिसी करा दो, जो इसमें क्या है कि आपको जब भी कभी पैसे की जरूरत होगी चाहे तो आपको मिल जाएगा, ओके और इसमें हर साल आपको 2,31,000 रुपये भरने हैं, पर आपके पास हो तो भर देना, बाकी मत भरना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अच्छा, हमने ऐसा बोला कि अगर आपके पास हो तो भरना, बाकी मत कोई भरना। दिक्कत नहीं। और क्या बोला कि निकाल कभी भी सकते हो? हाँ कभी भी निकाल सकते हो। मैं कहा ठीक है वाह, ये करते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल एफडी से जो परसेंट मिलता है ना उससे भी ज्यादा मिलता है कितना इसमें, मिलेगा इसके अंदर में? इसमें 10-12 कुछ कर रहे थे वो, अच्छा ठीक है, उन्होंने ऐसा बोले। 10-12% आपको मिलेगा। जी एफडी एफडी में कम मिलता है, इसमें ज़्यादा मिलेगा। हाँ और आपको जमा करा सको तो ठीक है, और अदरवाइज चाहो तब आप निकाल सकते हो। हाँ ये चीज़ पक्का, ये चीज़ बोली उन्होंने? यही बोली सर उन्होंने। ओके ओके। आपने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में किया, इंग्लिश मीडियम में हिंदी किया? मीडियम में किया सर, हिंदी मीडियम। इस बार आपने एग्ज़ाम जो लिखे वो हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे? हिंदी में लिखे सर। अच्छा, तो ये अभी उन्होंने पॉलिसी की है आपकी, जी ठीक है सर। ना? उन्होंने बोला पॉलिसी कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि जो भी एक बार जमा कराना वगैरह, पर आपने पॉलिसी करी। जी सर। ठीक है, तो पॉलिसी किताब आई होगी आपके घर पे? नहीं सर, उन्होंने तो उस टाइम तो उन्होंने खाली कागज पे समझा था कैसे हाँ, ही वो तो करना है, है। पर बाद में किताब आई होगी ना आपके पास में, हाँ, आई तो सर। उसमें सब शर्तें लिखी हुई हैं, तो आपने पढ़ी नहीं क्या आपने? तो सर मैं वहां गया बैंक में, उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने ये वाला बताया था मेरे को। क्या ये वाला बता, क्या अनुकूल प्रीमियम भुगतान अवधि, बस एक बार या 5 वर्ष की सीमित अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान कीजिए। तो उन्होंने कहा सर एक से एक बार करना है आपको प्रीमियम को भुगतान, या फिर 5 बार करा, आपके पास हो तो 5 बार करो, नहीं है तो 1 बार कर दो। मगर सर अच्छा, मेरे तो इसमें भरने में असमर्थ हो तो ये जाऊंगा। उन्होंने पढ़ के दिखाया आपको कि बस एक बार या फिर 5 बार? हाँ सर, ये ये उन्होंने, उस टाइम पॉलिसी करने के लिए आए थे मेरे घर पे शाम को, तो ऐसे कुछ कागज लाए थे उनमें पढ़ के बताया था उन्होंने। अच्छा, और बाद में जब आप पॉलिसी बॉन्ड बैंक में लेकर गए तब भी हाँ उन्होंने ये पढ़ के बताया आपको? हाँ उन्होंने ये बताया कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को डिप्लोमा करना है। नहीं, पर इसमें एक चीज़ और है, हाँ आपके पास जब आपने करी होगी तो आपके पास फ़ोन भी आया होगा आपके पास आगे जी से। जी 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 सर। हाँ, तो फ़ोन पे उन्होंने पूछा होगा, आपको बताया होगा उन्होंने सब कुछ कि आपको इतनी बार जमा करना है और ये वो, आपको सब कुछ फ़ोन पे उन्होंने सब शर्तें बताई होंगी? जी सर, उन्होंने फोन पे ये शर्त बताई कि उन्होंने उसी टाइम शाम को कहा था कि शाम को आपके, अभी बैठे बैठे ही उन्होंने जो पॉलिसी किया उन्होंने कुछ करा, मोबाइल में इधर उधर से फोन करा, तो उनका ये फोन आएगा, आपको खाली हाँ 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 करना है।
मैं कहा ठीक, एक तो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में मुझे पता नहीं चला, तो उन्होंने कहा आप तो खाली या कर देना। मैं कहा ठीक है, मैं ये हाँ कर दूँ उनके सामने बैठ के। फिर 2-3 दिन बाद वापस मेरा फोन आया, उससे पहले जिस टाइम उन्होंने पॉलिसी करी थी तो उस टाइम उन्होंने कहा कि आपके पास फोन आएगा मैडम, क्या आप भरने में असमर्थ हो, भर दोगे आप? मैं कहा हाँ भर दूंगा, यूँ कहना आपको। हाँ, तो फिर आपने मैं क्यों कहा बोला कि हाँ भर दूंगा? तो सर वो मैनेजर साहब ने कहा ना कि भरते हैं, आप तो कह देना हाँ हाँ निकलाना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरी जिम्मेदारी। ऐसा थोड़ी होता है। चलो खैर, आपकी उम्र अभी कम है, आपकी मम्मी साथ में थी उस टाइम पे जब ये सब कुछ हो रहा जी था, जी सर। तो आपकी मम्मी को भी कभी, मम्मी को भी डाउट नहीं हुआ कि कुछ गलत कर रहे होंगे या ऐसा कुछ? तो सर उन्होंने तो कहा इतने प्रेशर से कि हम है ना हम कहीं जा रहे हैं क्या, आपको हमारा भरोसा नहीं, इतने साल से आपके बैंक में आपके पिताजी का खाता है, हमने पैसा इधर उधर करा क्या, ये करा क्या? उन्होंने कहा ठीक है भाई, गांव का ही बैंक है तो क्या है फिर। ठीक बात है। अभी आपको अभी क्या दिक्कत आ रही है? आपको अभी का कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या दिक्कत अभी आ रही सर है? मैं वो पेसिफिक कॉलेज में सर ये माइनिंग का डिप्लोमा करना है, ओके, इसमें सर 1.5 लाख रुपए की जरूरत है मेरे को। 1.5 लाख रुपये की जरूरत है। तो ये 1.5 लाख रुपये की जरूरत है, तो आपके पास दूसरा कुछ पैसा होगा ना? आपके पास पड़ा होगा पुराना पैसा कुछ नहीं कुछ? सर, घर में खर्चा निकल हो जाता वही बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपये की जरूरत है। 1.5 लाख इकट्ठे थोड़ी मांग रहे होंगे वो लोग, तो थोड़ा थोड़ा करके मांगेंगे। पूरा 1.5 लाख इकट्ठा मांग रहे हैं क्या वो लोग, तो पैसिफिक वाले? फिर भी सर मेरे को यहाँ उदयपुर में भी तो रहना पड़ेगा, कमरा का किराया, फिर मेरा पर्सनल का खाने पीने का खर्चा, और भी तो बहुत सारी चीजें लगेगी सर। आप पैसिफिक का फॉर्म लाए हो? जी सर, दिखाओ। ये लाया हूँ सर मैं फॉर्म, ये पैसिफिक का, ये अब मेरे पास पैसे नहीं, बाकी मैं क्या करूँ, फॉर्म तो ले आया हूँ सर मैं, ये रहा। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी चाहते क्या हो कंपनी से, बैंक से क्या चाहते हो? सर मुझे पैसे चाहिए सर मेरे। देखो, इसी मैंने आपकी किताब जो है ना, आपकी पढ़ी है किताब, जी सर, इस किताब में ये है कि जैसे आपने अभी एक बार जमा हो गया है, जी तो इसमें अगर आप आगे जमा नहीं भी कराओगे ना, तो भी आपको 5 साल बाद आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है? पर जो ब्याज मिलेगा वो 3.5-4% का मिलेगा। तो अगर आप ओके हो, तो आपका पैसा कहीं डूबा नहीं है, पैसा तो मिल जाएगा 5 साल बाद में। तो आपको राजी है इस चीज़ के लिए क्या? नहीं सर, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, जरूरत पड़ रही है मेरे, फिर मेरे तो टाइम खराब हो रहा है। मैं कुल गुरु से मैं बात करके आया वहाँ कोठारी जी से, वहाँ पेशी में जाके उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा हम आपको कुछ मदद नहीं कर सकते, आपको पैसा तो भरना ही पड़ेगा। तो अब मैं पैसा हो तो मैं वहाँ एडमिशन ले सकता हूँ, बाकी तो मेरा तो यूँ ही जाएगा। ठीक बात है, ठीक है।